देखिए गाइज, ये कपड़ा आजकल बहुत चल रहा है मार्केट में, तो जिम्मी सूर इसको बोलते हैं। मैं भी लाई हूँ इसको बनाने के लिए और सोची मैं आप लोग को इसका कटिंग दिखा दूँ। तो देखिए, ये दोनों मैं फैब्रिक आप लोग को दिखा रही हूँ। ये कलर कैसा लग रहा है आप लोग को बताइए, और डिज़ाइन कैसा लग रहा है आप लोग बताइए। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट करके बताइए। इसका मैं जा रही हूँ पहले अस्तर कटिंग करने। इसका मोड़ाली मैं 7 इंच अरमोल रखी हूँ 7 इंच, और चेस्ट रखी हूँ 20 इंच, हिप के पास है 20 इंच, कमर के पास है 18 इंच। तो मैं सबका मिला करके मार्किंग कर ले रही हूँ। मार्किंग करके इस तरह से मैं इसे कटिंग कर रही हूँ। तो मेरा एक पल्ला कट के तैयार हो गया है। अब मैं दूसरा इसको फोल्ड करके, डबल फोल्ड करके उसी के ऊपर उसको रख करके इसे भी मैं कटिंग कर लूँगी। देखिए काटना कितना आसान है, एक बार अरमुट निशान मार लो, उसके बाद इसको रख करके बराबर मेल मिला कर और इसको सबको कट करके निकाल लो। मेरा अस्तर का कटिंग हो गया है। अब मैं इसका फैब्रिक लाई हूँ, जिसे बोलते हैं जिम्मी चोर, आजकल चल रहा है मार्केट में। अब इसे मैं मिला करके सेटिंग करके दोनों को फोल्ड कर रही हूँ दो, और इसी के ऊपर रख करके सेम उसको साइज में मिला करके रखना है, इधर उधर ना हो कपड़ा। थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाएगा तो फिर छोटा बढ़ाने लगेगा कपड़ा सिलाई में। तो मैं दोनों बराबर मिला करके इसको कटिंग कर ले रही हूँ। इस तरह से कटिंग करना कितना आसान है। अब इसका गला भी मैं कटिंग कर दे रही हूँ उसके माप करके, क्योंकि वो फैब्रिक पे गला बना हुआ है, तो उसी को रख करके मैं कट कर ले रही हूँ। ये पीछे का है, फिर इसको भी डबल फोल्ड कर करके और उस पर जो पहले का अस्तर कटिंग की हूँ वही रख करके मैं इसे भी कटिंग कर ले रही हूँ। तो सूट काटना कितना आसान है, कुर्ती को बनाना कितना आसान है। आप लोग भी बनाइए देख करके घर में। अब मैं इसका आस्तीन जा रही हूँ निकालने। आस्तीन का कपड़ा तो आजकल बहुत कम आ रहा है, तो इसलिए इसमें भी थोड़ा सा जोड़ आ रहा है मेरा, क्योंकि बन नहीं पा रहा। तो इस तरह से मैं दो जोड़ डालूंगी इसमें साइड में, ताकि मेरा पूरा अरमोल आ जाए। मैं इसका हाफ आस्तीन निकाल ले रही हूँ अस्तर में, तो मेरा हाफ आस्तीन भी निकल के रेडी हो गया। अब मैं इसका पैंट का कटिंग करने जा रही हूँ, तो इसको डबल फोल्ड में कर ली, डबल फोल्ड करके मैं 16 इंच पे निशान मारी, पूरा लेंथ रखी 28 इंच, निशान मार के मार्किंग करके फिर इसको मैं कट कर ले रही हूँ।
इसे भी मैं डबल फोल्ड की और इसको भी मैं जो कटिंग की हूँ उससे रखते रही हूँ इसी के ऊपर रख करके उसी तरह सेम कटिंग होगा, बस थोड़ा सा ये बड़ा रहेगा साइड साइड से दो दो इंच, इसमें ज़्यादा रखा जाता है कपड़ा। देखिए तो दो दो इंच ज़्यादा रख करके मैं कटिंग कर ले रही हूँ, आप लोग को उम्मीद है कि दिख रहा होगा।